अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी C6। तो फिर फटाफट हम लोग बॉक्स को खोल लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को केस मिल जाता है जो काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये सब को हम लोग साइड में रखते हैं और हम लोग फोन पे देखते हैं। ये हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं और ये हम लोगों को चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि 20 वाट का बुक चार्जर है। और ये हम लोगों को टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगा। हम लोग फोन को देख लेते हैं फटाफट। तो हम लोगों को फोन को कुछ ऐसा लोग देखने को मिल जाता है, व्हाइट कलर का रियलमी C6 है। सबसे पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं, ऊपर हम लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को सिम कार्ड ट्रे मिल जाएगा जो कि डेडिकेटेड 3 स्लॉट है इसमें। और ये हम लोगों को वॉल्यूम ओपन और डाउन मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को 3.5 जैक मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग को माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग को टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को स्पीकर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ये मिल जाएगा स्क्रीन ऑन पावर ऑफ ऑन बटन और यहाँ पे हम लोग का फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। दोनों अपने यही पे काम करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले हम लोग डिस्प्ले इसमें आप लोगों को 6.5 इंच का फुल HD प्लस आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि गेम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये गेम में जाता है 90 हर्ट्ज़ हो जाता है और नॉर्मल आप लोग फ़ोन चलाओगे तो ये 60 हर्ट्ज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप लोग सेटिंग में जाके भी 60 हर्ट्ज़ या 90 हर्ट्ज़ कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरे की। तो हम लोगों को क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, 48 मेगा का मेन कैमरा है दोस्तों। ये कैमरा GW1 सैमसंग का सेंसर है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल है और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और 2 मेगा आप लोगों को माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो Realme 6 और Realme 6i में आप लोगों को खाली कैमरा और चार्जर का ही फर्क देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। परफॉर्मेंस हम लोगों को इसमें MediaTek का HD G90T मिल जाता है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। पबजी आप लोग HDR में खेल सकते हो, HDR में। और मैं बात करूँ दोस्तों अभी बिल्ड क्वालिटी की, तो हम लोगों को प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाएगा लेकिन इसे ग्लास बॉडी देखने को ग्लास देखने में जो दिखता है ग्लॉसी फिनिश है लेकिन इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। और ये वेट इसमें काफ़ी एवरेज है, 193 ग्राम के आसपास है जो कि। और N22 की बात करूँ तो इसमें 285,000 के आसपास ये रहता है। और इसमें रियलमी UI देखने को मिल जाएगा और एंड्रॉयड 10 पर ये रन कर रहा है अभी फिलहाल। तो बैटरी की बात करूँ तो बैटरी आप लोगों को यहाँ पे 4300 mAh की देखने को मिल जाएगी और इसमें 30 वाट का फास्ट चार्जर भी इसे सपोर्ट करता है लेकिन इसमें 20 वाट का बुक चार्जर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये 14,000 में देखने को मिल जाएगा 6/64। आप लोग अपना मोबाइल सेंटर में आके ले सकते हो, यहाँ पे एक ही पीस अभी रखा हुआ है। और अगर और भी लेना हो तो आप मंगवा सकते हो, यहाँ पे आके ऑर्डर दे देना, हम लोग यहाँ से मंगवा देंगे आप लोगों के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूँगा, आप यहाँ पर आके ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है 14,000 के रेंज में, लेकिन आप लोगों को 6 GB प्रोवाइड करवा रहा है रियलमी वाला, काफ़ी अच्छी बात है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। फिर और भी अभी रेडमी नोट 10 प्रो और रेडमी 9 पावर भी अभी यही महीने लॉन्च होएगा तो हो सकता है मैं शायद अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखा सकूँ ये चैनल पर। तो बस मैंने आप लोगों को सारी इसमें जानकारी दे दिया हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताना नीचे कमेंट में।